नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने किया है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी इसकी स्क्रूटनी से संबंधित है। एक तरह से ये एक अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों के लिए थ्रेटनिंग है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान में गलत डॉक्यूमेंट डाले थे या फिर इनका डॉक्यूमेंट ही गलत था और उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा करके ये जो एग्जामिनेशन था आपका उसमें बैठे थे। तो उनके जो ट्वीट है उसमें उन्होंने क्या लिखा मैं आपको दिखा दे रही हूँ। उनके ट्वीट में ये क्लियर आया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टीचर रिक्रूटमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस समय गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या फिर हो सकता है कि उनका जो डॉक्यूमेंट ही गलत हो। मतलब इसको इस रूप में ले लीजिए, तरीके दो तरीके से गलत हो सकता है। जो ओरिजिनल उन्होंने अपलोड किया था बीपीएससी का जब फॉर्म फिलअप करते जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया था उससे अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान डाले होंगे या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट इन्होंने फाइल में डाल करके दिया है वो एक तरह से रॉन्ग डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, दो तरीके से गलत है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो गया। तो वहाँ पर जब मिलान किया जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वहाँ पर ओरिजिनल को वो चेक कर रहे थे जो सिस्टम में अपलोडेड से। ठीक है, और कॉपी भी चेक कर लिया गया था कि कॉपी वो लोग बच्चे लोग पूरा जमा किए हैं कि नहीं किए। कुछ एक ऐसे सेंटर थे जहाँ पर जो कॉपी जो उन्होंने जमा किया था अभ्यर्थियों ने उसको नहीं चेक करके सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो मिलान किए हैं साइट से कि जो अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट को अपलोड किया है वो रियली में उसके पास ओरिजिनल वे में है कि नहीं। तो दो तरीके से गलत हो सकता है, या तो जो ओरिजिनल वो दिखाया वहाँ पे वो ठीक था लेकिन जो फाइल में डाल के दिया है फोटोकॉपी जिसका वो रॉन्ग है। ठीक है, और जो ओरिजिनल था वो उन्होंने उनके पास में ठीक था। तो एक तरह से एक मिस्टेक यहाँ हो गया। दूसरा मिस्टेक ये हो सकता है कि उनके जो दस्तावेज हैं वो आपको हो सकता है जाली हो। ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स हो। तो दोनों में चाहे जो भी हो, जानबूझ कर हो या ये डिलीवरेट हो, इतना जान लीजिएगा इस अतुल प्रसाद जी ने ये क्लियर इंस्ट्रक्ट कर दिया है, ट्रेनिंग दे दिया है कि इसके परिणाम काफ़ी भयंकर होने जा रहे हैं। मतलब कि जो भी अभ्यर्थी ने जानबूझ करके ये मिस्टेक किया है, डॉक्यूमेंट जाली डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है या फर्जी डॉक्यूमेंट के थ्रू इस वैकेंसी के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट पाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये एक तरह से सीवियर मैटर होने जा रहा है आगे चल करके। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। मतलब इस वीडियो को बनाने का ये मतलब भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हुआ ही हुआ, उसका स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसका स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो गया। अब क्या है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट भी आपका 2 से 3 दिन में आपका आ जाएगा और उन्हीं का रिजल्ट आएगा जिनका डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक नहीं है, उन्हीं का रिजल्ट आएगा और साथ में वो मेरिट में आएंगे तब, मतलब क्वालिफाई करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।